पापड़ की चूरी बनाने के लिए हमें चाहिए 3 पीस पापड़, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून देसी घी, नमक स्वाद के अनुसार। सबसे पहले गैस को ऑन करेंगे और पापड़ को दोनों साइड से इस तरह से सेक लेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखा है। इसी तरह से तीनों पापड़ को सेक लेंगे। हमारे तीनों पापड़ सिक गए हैं, तो चलिए अब पापड़ की चूरी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पापड़ को तोड़ लेते हैं। अब हम इस तरह से पापड़ को एकदम बारीक चूर लेंगे या क्रश कर लेंगे। पापड़ को जितना बारीक चूरेंगे उसकी चूरी खाने में उतनी ही टेस्टी लगेगी। हमने यहाँ पापड़ को एकदम बारीक चूर लिया है, तो चलिए अब इसमें मसाले डालना स्टार्ट करते हैं। 1 पिंच नमक डालेंगे। पापड़ में पहले से ही नमक होता है, इसलिए नमक थोड़ा कम ही डालेंगे। 1 पिंच लाल मिर्च डाली। 1 टीस्पून देसी घी डालेंगे और इस सबको अच्छे से हाथ से मिला लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है कि सारे मसाले अच्छे से पापड़ पे लग जाएं। थोड़ी सी लाल मिर्च और डाल देंगे। पापड़ में काली मिर्ची होती है बट लाल मिर्च नहीं होती है। पापड़ की चूरी बन करके तैयार है, तो चलिए इसे सर्व करते हैं। बहुत ही टेस्टी पापड़ की चूरी बनी है। आप इसे अपने घर पे बनाइए, खाइए और अपना एक्सपीरियंस दर्ना टी स्नैक के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।